सिमी बेबहा ने ईरान की एक मशहूर कवि का नाम है, उन्हीं की एक कविता का पाठ करने जा रहा हूं मैं। इस कविता का कोई शीर्षक नहीं है, इसे पर्शियन से अंग्रेजी में अनुवाद किया है काव्य सफ़ा और फरजान मिलानी ने, और अंग्रेजी से हिंदी में अरुण जी ने, मैंने। वतन में विरोध की लपटें अगर और ऊंची उठेंगी, तब कब्र पर तुम्हारा नाम खाक में मिल जाएगा। तुम अब बकबक करने वाले बड़बोले बन गए हो, तुम्हारे बदतमीजी और शेखी अब मजाक बन गया है। जो झूठ तुमने गढ़े हैं, जो झूठ तुमने बुने हैं, जो फंदे तुमने बनाए हैं, तुम्हारे ही गले हुए पड़ेंगे। घमंड में तुम चूर हो और अभिमान से हो अंधे, घमंड में तुम चूर हो और अभिमान से हो अंधे, पर गिरे हुए हाथी कभी उठा नहीं करते। बंद करो ये बर्बादी, वतन वतन को खाक में मिलने से रोको। ये मनहूस अंधेरा हमें दलदल की ओर ढकेल रहा है। बंद करो ये चिल्लाहट, हिंसा और खून खराबा। बंद करो वो सब जो बंदों को दे दर्द और आंसू। मैं नहीं दूंगी तुम्हें शाप, मैं नहीं दूंगी तुम्हें शाप जिसके फलीभूत होने से अपने दुश्मनों का भी दुख मुझे देती है पीड़ा। चाहो तो मुझे जला दो, पत्थरों से कर दो मेरी हत्या, पर तुम्हारे हाथों की तीली या पत्थर मुझे मिटा नहीं सकते, मुझे मिटा नहीं सकते।